असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हो चले हैं। असम के कई जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य जारी है, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो राहत नाकाफी कैसे है, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा। हर तरफ पानी ही पानी, सैलाब लोगों के घरों तक पे घुस चुका है। अब लोगों के पास अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। लेकिन अभी आपको रविकांत के जरिए वहां की मौजूदा हकीकत क्या है, स्थिति क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। रविकांत, देखिए माजुली में हम हैं जो कि पूरी तरीके से नदी में बना हुआ टापू है, सीधा भारत की मेनलैंड से डायरेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है, फेरी से यहाँ आने पड़ता है लेकिन फेरियाँ बंद हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। और उसमें जो मुख्य बांध है वो टूट गया है, आप देखिए ये बांध है जो कि टूट गया है और यहाँ पर लगातार कोशिशें जारी हैं कि बांध को बनाया जा सके, क्योंकि अगर ये बांध जब तक टूटा रहता है तब तक आगे के 50 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से पानी में रहेंगे। और हम अंदर जाकर के नाव से उनका हाल लेकर के आए हैं, वो सारे जो परिवार है वो अपने अपने घरों में कैद हैं, उनके चारों ओर पानी है, यानी माजुली खुद एक टापू है और यहाँ से आगे का जो हिस्सा है वो माजुली से भी कट गया है और पूरी तरीके से पानी में है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे साथ हैं जो कि इस बांध को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट बांध है ये जो टूट गया है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बांध है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का ये बांध है, ये एक्चुअली रोड का एम्बैंकमेंट है, इससे नज़दीक एक सत्रो है, अनुहति सत्रो है और माजुली असम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो हेरिटेज है, कला का सब केंद्र है, सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट रोड। कितने गांव आगे डूबे हुए पानी में? 10-12 गांव तो डूब गया लेकिन अभी थोड़ा पानी कमती हुआ। तो आप बता रहे थे कि सारा इलाका मिला करके 50 गांव है, आपने बताया तो नजदीक है, 10-15 गांव तो नजदीक है, बाहर तो थोड़ा पानी गया। इसका जो अगला बार जो फाद आएगा वो लक्षण नहीं पोसेगा, इसलिए हम इसको 10-12 दिन में बंद कर दूंगा। तो अभी क्या स्थिति है, आगे के जो गांव हैं वो माजुली से पूरी तरह कटे हुए हैं? अभी तो कटे हुआ है लेकिन दूसरा रास्ता से लिंक कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और उसका मदद भी कर रहा है, रिलीफ भी दे रहा है। ये स्थिति क्या माजुली के और भी इलाकों में है? ये परिस्थिति तो अभी तो ठीक है, ठीक ठाक है, इसी जगह पर एक इंसिडेंट हुआ, इसे फ्लाट तो ये कब तक ये बांध बन जाएगा? 10-12 दिन में तो हो जाएगा। 10-12 दिन लगेंगे और अभी 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं टूटे। आज दिन हो गया, हमने प्रिपरेशन किया पहले, प्रिपरेशन करके अभी इसका मेगा ट्यूब इसके पर मेगा ट्यूब यूज होगा। क्या ये टेक्नोलॉजी है जिससे आप लोग बना रहे हैं? जियो टेक्सटाइल से बना हुआ मेगा ट्यूब है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे जर, उसके इस्तेमाल करने के बाद फिर एक इसका ऊपर पेमेंट बनाएंगे, रास्ता हो जाएगा ऊपर। ठीक है रविकांत, हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ उस बांध को बनाने का काम हो रहा है, लेकिन जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि अभी लग जाएंगे, इससे 10-12 दिन का समय और लगेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।